हेलो एवरीवन। तो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो हरियाणा में होते हैं आरआरबी की तरफ से, जो फर्स्ट एक बार जो बुलाए थे उसमें जो डीवी प्रोसेस था वो, उसके बाद मैंने बताया था कि 8-10-15 दिन के बाद एक दोबारा ईमेल आती है, उसमें कम्प्लीट प्रोसेस होता है। जैसे वो था डीवी 30 मार्च को, उसके बाद 8 अप्रैल को एक और ईमेल आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये आपको प्री ज्वाइनिंग जो लेटर है वो दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कुछ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और इसमें डेट्स डे वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये नाम के साथ होता है, जिसको भी लेटर देना होता है, जिसको भी डीवी करना होता है। इसके अलावा इन्होंने कोई फॉर्मेट कुछ नहीं दिया, तो उस फॉर्मेट के लिए जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है इसकी वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ से मैं फॉर्मेट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ गए रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस में, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे अपडेट्स जो है मिल जाएंगे। तो इसमें से कहाँ से शुरू हुए हैं ये देखिए, बायोमेट्रिक वगैरह ये हो गया था, इसके बाद इन्होंने किया है प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, यहाँ से है। तो प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में क्या दिया इन्होंने, इन्होंने ये बताया है कि हम 18th of April को हम जो है ये जो सेकंड राउंड ऑफ टीवी है वो कर रहे हैं, इसमें 2 स्लॉट्स है टाइम के, 30-30 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक मैं डिटेल में बताऊंगा, एक बार बता देता हूँ सारी चीज़ें क्या क्या हैं। इसमें एक जो दूसरी PDF है उसमें टोटल जो 60 बच्चे हैं सबका नाम है, ठीक है, ये मेरा नाम है यहाँ पे इसमें। उसके बाद एक और है जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये और जो दूसरा है वो लगभग सेम ही है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, ये बहुत काम की PDF है क्योंकि जितने भी फॉर्मेट अगर चाहिए तो सारे इसी PDF में मिलेंगे। ये 40 पेजेस की है तो इसमें कोई भी PDF हो, कोई भी फॉर्मेट हो, वो इस यहाँ से मिलेगा। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए प्रिंट आउट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आया था IBPS का वो चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें 10th 12th की जो सर्टिफिकेट होते हैं वो, जो आपकी डिग्री है उसमें हर एक सेमेस्टर वाइज DMC वो सब चाहिए। उसके साथ उसमें पूछते हैं कि कंप्यूटर आपको आता है नहीं आता, तो आपके पास अलग से सर्टिफिकेट है तो वो ठीक है, अदरवाइज आपने अगर किसी भी डिग्री के दौरान अपने कोई एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो चल जाएगा। मार्कशीट चाहिए, जितनी भी आपकी मार्कशीट है वो सभी चाहिए। उसके बाद अगर आपका एज रिलैक्सेशन है वो सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। फोटोस्टेट करवानी है और सेल्फ टेस्ट करके देनी है उसको। उसके बाद अगर कोई भी, जैसे अगर आपने पहले जॉब की है तो वहाँ से डिस्चार्ज या रिलीज यानी कि एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड या सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि हाँ भाई आपको निकाला नहीं गया, आपने जो प्रॉपर तरीके से जो डिस्चार्ज होते हैं या जो प्रॉपर तरीके से सेपरेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो लिया है। उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, जो पहले राउंड में सबमिट किया था उसी का पासपोर्ट साइज, यहाँ एक मांगा पर एक्स्ट्रा ले जाना। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट EWS वालों के लिए हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए उनका सर्टिफिकेट हो गया, अगर जो डिफेंस में है तो उनके लिए NOC हो गया, अगर एज रिलैक्सेशन का है तो वो हो गया, एक ये मेडिकल है, ये सबको लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस चाहिए, जो CMO है या जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से बनेगा। उसके साथ इन्होंने कहा है एक्सरे प्लेट ऑफ चेस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। तो एक्सरे प्लेट तो मिल जाएगी, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट क्या होती है, जो एक्सरे रिपोर्ट के साथ वो देते हैं ना एक, कि इसका हाँ भी ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, उसको उसी को कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड के साथ एक श्योरिटी भी होती है, और उन्होंने बताया है कि जो बॉन्ड होगा वो नोटराइज होगा स्टैम्प पेपर पर, 150 रुपीज़ की स्टैम्प लगेगी उसके हिसाब उस पर होगा। एक उसके बाद है कि 2 रेफरी के नाम देने हैं जो आपको जानते हो और रिलेटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए आपके में। प्रूफ आइडेंटिटी यानी कि यही पैन कार्ड आधार कार्ड। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये बताया है कि अगर आप किसी भी स्टेज पर आपको आपका ये पता लगता है कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दिए, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद TADA वगैरह नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें ठीक है, वो नहीं है और काम की चीज़ें। ये स्केड्यूल है, इसमें भी कुछ तरह खास नहीं है, डॉक्यूमेंट है इसमें भी वही चीज़ें होंगी, ज़्यादातर वही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टी एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से दिए हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेम है। इवन जो ईमेल आई थी, ईमेल पर जो डॉक्यूमेंट था वो भी सेम ही है, जो ईमेल पर डॉक्यूमेंट दिया गया था।
हाँ ये भी सेम, इसमें भी वही बताया है कि इसमें सैलरी के बारे में और बताया है, इतनी सैलरी दी जाएगी और उसके बाद आपको एक साल के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा और ये इन रूल्स को आपने अवॉइड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में है कि ये चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवाना है, ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। इतना चीज़ें नहीं, जो काम की चीज़ है वो ये है जो 40 पेजेस वाली फाइल है। तो सबसे पहले तो इसमें इसमें भी बता दिए एक बार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जो बोन है वो 2 साल के लिए होगा, 50,000 रुपये का होगा। सबसे पहले एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, तो एग्रीमेंट ऑफ सर्विस जो है ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लगता है और इसको इसको भरना नहीं है, वहाँ वो लोग भरवाएंगे। अब मैंने नोटराइज करवा दिया, कुछ कह रहे थे कि इसको नोटराइज नहीं करवाना, बट टू बी ऑन सेफ साइड करवा लेना इसको नोटराइज, ठीक है। ये 7-8 पेज का है और ये विटनेस वगैरह सब वो भरवाएंगे, आपको कुछ नहीं भरना है इसमें, सिर्फ इसको स्टैम्प पेपर पर करवा के ले जाना है। अच्छा, एक ऑफलाइन स्टैम्प होती है, आजकल ई स्टैम्प चल रही है, तो दोनों चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इस स्पेस में, हालांकि थोड़ा सा इसको और नीचे करना पड़ेगा, इस स्पेस में स्टैम्प आ जाएगी आराम से। उसके बाद अगला है फिडेलिटी एंड सीक्रेसी, ये सिर्फ भरना है, कहीं से कोई इसको स्टैम्प वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल भरना है। उसके बाद ऑब्टेन फ्रॉम एवरी एम्प्लॉय ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये भी सिंपल चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन वगैरह है, इसमें भी कोई अलग से नहीं है। डोमिसाइल है जो आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने बनवाया है तो ले जाना साथ में, इसका पता नहीं क्या ही करेंगे वो। ऐसे ही कुछ बहुत सारे पेज है जो आपको सिर्फ भरने हैं, कुछ अलग से नहीं करना। ये कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस उसके लिए जो अभी वर्किंग कैंडिडेट है, ये रहा ना वर्किंग कैंडिडेट के लिए, जहाँ से ये रहा कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग सर्टिफिकेट सील टॉट में प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उनके लिए है ये। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, ये 2 पेज की है मेडिकल रिपोर्ट, तो आपको पहले इसका प्रिंट आउट लेना है, इसका प्रिंट आउट लेके सीएम ऑफिस में जाना है। सीएम ऑफिस में आपको बताएंगे कि आप एक अलग से फॉर्म आता है मेडिकल के लिए, वो ले लीजिए। वो जो फॉर्म है वो बाहर जैसे हॉस्पिटल के बाहर कुछ शॉप्स वगैरह होती है वहाँ मिल जाता है, 20 रुपये का फॉर्म मिलता है, उस पर 500 रुपये का चालान लगवाना होता है। वो चालान लगवा के फिर आपको ओपीडी से वो जो सिविल हॉस्पिटल में 5 रुपये की पर्ची लगती है, हमारे यहाँ सोनीपत में 5 ही लगती है, बाकी हो सकता है कुछ जगह अलग हो, वो 5 रुपये की जो स्लिप होती है वो लगवा के फिर आपको ओपीडी में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना, आई नोज जो भी चीज़ें हैं उस पर होगा। तो एक तो ये फॉर्म इस पर भी साथ साथ भरवाते रहना, जो भी डॉक्टर आपका एग्जामिन कर रहा है, और वो फॉर्म उस पर भी भरते रहेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा आपका तो आपको हर उस पर मेडिकल ऑफिसर की स्टैंप लगवा के सीएम ऑफिस में दोबारा देना है, ये भरने से पहले भी देना है एक बार। जैसे ये आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसके साथ वो आएगा, उसमें अपना नेम वगैरह ये सारी चीज़ें भर के सीएम ऑफिस में दिखाना है। जब वो आपका सारी चीज़ें फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर सारी चीज़ें वेरीफाई कर देंगे, फिर कहेंगे कि अब आप अपना ओपीडी में जाके सारे मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। जब सारे मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर एक बार सीएम ऑफिस में देना है, तो वो सीएमओ जो क्लर्क होगा उनका वो सीएमओ सर से दिखा के साइन करवा लेगा। वहाँ पे भी आपसे पूछे जाएंगे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देखा जाएगा, पहचाना जाएगा, आईज वगैरह से कुछ जैसे कुछ पढ़वा के देखा जाएगा, तो उसके बाद ही साइन करेंगे। वो मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है, हर लाइक हर डिपार्टमेंट के बाहर काफ़ी लंबी लाइन होती है, जैसे आईज वाले के सामने अलग भीड़ होगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि साथ साथ भरवाते रहना, इस पे भी और जो दूसरा फॉर्म मिलेगा उस पे भी, उसमें भी होते हैं 7-8 पेज और सब पे भरवाते रहना। आपको मिलेगा फाइनली यही, वो जो फॉर्म अलग से मिलेगा बाहर से लेना होगा वो अपने पास रख लेंगे रिपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये जो है ये फॉर्म आपको दे देंगे। उसके बाद ये है पर्सनल डेटा, इसमें कोई अलग से नहीं करना, ये सिंपल चीज़ें भरनी है, एजुकेशन भरनी है आपको। उसके बाद ये जनरल चीज़ें हैं, इसमें कुछ अटेस्टेशन फॉर्म में 4 कॉपीज लेके जानी है इसकी, आपको सिर्फ फोटो चिपकाना है, बाकी चीज़ें वो सब वहाँ करेंगे, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बाद में यूज़ करते हैं, तो अभी से आपको कुछ नहीं भरना इतना, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी फॉर्म है, ये भी वहाँ बता देंगे अगर नहीं भी भर के ले जाएंगे तो भी इतना। हाँ, ये है बॉन्ड विथ श्योरिटी, अब ये जो श्योरिटी है ये इसमें एक यहाँ आपका नाम आएगा और दूसरा श्योरिटी मतलब होती है कि भाई अगर आपने 50,000 रुपये नहीं भरे, अगर 2 साल से पहले छोड़ दी तो कौन भरेगा, तो वो उसको कहते हैं श्योरिटी। तो आप किसी को बना सकते हैं, फादर को बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, सबका इसी तरह से प्रॉपर नाम एड्रेस दिया जाएगा। उसके बाद जो श्योरिटी है, तो यहाँ पर श्योरिटी के सिग्नेचर होंगे, तो यहाँ पर श्योरिटी का फोटो भी लगाना है आपको, यहाँ पे श्योरिटी का आपको एड्रेस भी देना है, और 2 विटनेस ये लिखवाने हैं, जो एग्रीमेंट ऑफ सर्विस है वो नहीं भरवाना, यहाँ पे भरवाने, दोनों विटनेस के सिग्नेचर साइन उनका एड्रेस वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें देनी है। ये 150 रुपये में बनेगा,
जो बॉन्ड है 150 पे बनेगा, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस 100 रुपए में बनेगा। उसके बाद ये और चीजें हैं जो सबको नहीं करना, इसका मुझे आइडिया नहीं है जो म्यूचुअल फंड में जिसने अगर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किया होगा। जैसे मैंने किया तो मुझे एक बार पूछना पड़ेगा कि इसका क्या करना है, हमको क्या लेके जानी है। फिर भी जैसे मैंने ग्रो ऐप से किया है तो ग्रो ऐप में वो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी स्टेटमेंट, आपने कब से कब तक क्या शेयर खरीदे बेचे म्यूचुअल फंड में, वो मैं डाउनलोड करके ले जाऊंगा। वहां जैसा कहेंगे वैसा उसके हिसाब से मैं बता भी दूंगा आपको, अपडेट भी कर दूंगा, आगे काम आ जाएगा। यह है सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई अदर, ओबीसी के लिए है ये, तो सबके लिए नहीं है, ओबीसी के लिए है। ये है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। उसके बाद ये कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। उसके बाद ये है अपॉइंटमेंट ऑफ बेनिफिशियरी अंडर रूल 6, ये भी सबके लिए नहीं है, जो सिर्फ इसी कैटेगरी में आएंगे ना उनके लिए है, ठीक है, ये भी सबको नहीं करना है। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये भी आपको वहीं भरना होगा, यहाँ पे कोई भरने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, ये है कि भाई आप जो जॉब आपको मिल रही है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाए जाएंगे, वहीं कर लेना, यहाँ भरने की जरूरत नहीं है, वहीं कर लेना। बस 40 पेजेस है, ज़्यादातर फॉर्मेट इसी में है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने नहीं दिया है, वो आपको 2 या 3 लेके जाने हैं, जिसमें गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं, हालांकि इन्होंने लिखा है कि लास्ट एजुकेशन, तो वो भी चल जाएगा। गैजेटेड ऑफिसर में आप जो आपके हाई स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका हेडमास्टर होता है, वहाँ से भी करवा सकते हैं। और भी अगर आपकी जान पहचान में कोई गैजेटेड ऑफिसर है तो वहाँ से करवा सकते हैं। एक बाकी मेडिकल पे मैं और डिटेल वीडियो बता दूंगा। और कोई क्वेरी हो तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको देने की। एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको हो सकता है डाउट कर रही हो, इसमें लास्ट में देखिए इन्होंने लिखा है कि यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट कि जब आपका ये हो जाएगा, 4 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम इज शेड्यूल फ्रॉम 19/4 से 22/4 हेड ऑफिस रोहतक में ही 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। 18 तारीख को डीवी हो जाएगा, उसके बाद 19, 20, 21, 22 4 तारीख को आपकी ट्रेनिंग होगी। तो इसका मैंने फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि सर आप प्रिपेयर होकर आना, कि ये सोच के कि आपको खुद के एक्सपेंसेस पर ही रहना है, खुद ही अरेंज करना है। कई केसेस में कई बार बैंक दे देता है आपको कि फैसिलिटी कि हाँ भाई आप ये रूम है आप यहाँ रुक जाओ, कई बार नहीं देता है। अगर नहीं देगा तो उन्होंने कहा है कि हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, जब आपका बाद में जो भी सैलरी वैलरी में करेंगे रीइंबर्स कर देंगे। लेकिन आपको ये सोच के आना, ये तैयार करके कि भाई मुझे खुद से ही रहना है, तो अपना पैसे वैसे का जुगाड़ करके ले जाना। 4 दिन वो रखेंगे आपकी, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे 18 को, उसकी ट्रेनिंग कराएंगे ये लोग। अगर और कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा बताने की। थैंक यू।